हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी स्पेशल डिमांड पे एम एस टी सी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर चैप्टर टू रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट टू आज के सेशन में हम एक्सक्लूसिव पीवाईक्यू क्यू सॉल्व करेंगे जिसके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया है तो उन्होंने देखा होगा कि आपको दस मॉक टेस्ट दिए गए हैं जिसमें आपको हजार एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और ये एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ सीआई सी के पीवाईक्यू क्यू लेवल के है और पीवा जितना ज्यादा सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होने का और क्वेश्चन स्कोर करने का चांसेस बढ़ जाता है ठीक है तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट टू वाले सेशन के साथ आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो और आंसर भी दे रहे हो ठीक है एक सेकेंड रुको खाली कैमरा थोड़ा उधर खसक गया है हाँ ठीक है ओके चलो सो लेट स्टार्ट विथ अवर टूडेज सेशन ये रहा अपना पहला एमसीक्यू सबको ऑनेस्टली मार्क्स देना है और लास्ट में अपना मार्क्स कमेंट करके बताना है फर्स्ट क्वेश्चन प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल के वजाइना में वन का ऑप्शन आएगा सी पहले ही ऑप्शन से आंसर मिल गया आपको बाकी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है दस सेकंड में यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चालीस सेकंड रहता है आप जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन सीमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है यस, इट कंटेन प्रोस्टाग्लैंडिन, इट कंटेन कैल्शियम एंड बाय कार्बोनेट इट कंटेन फ्रुक्टोज, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन सीमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है यह आपके जोना पेलुसिडा के पास प्रेजेंट रहता है तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट प्रेजेंट इन सीमेंट इट इज प्रेजेंट इन जोना पेलुसिडा यह फीमेल के एग के पास प्रेजेंट होता है चलो ये देखो आपका फ्रुक्टोज वगैरह प्रोस्टाग्लैंड वगैरह सब आपके ग्लैंड में होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर दो कमऑन क्विकली क्या आएगा इसका आंसर फॉलोइंग चेंजेस कैन बी सीन इन द फर्स्ट ट्राइमिस्टर एक्सेप्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखता है क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी कभी ब्लड स्पॉटिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में सो दिस इज सीन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाता है सेकेंड मंथ थर्ड मंथ प्रेगनेंसी में स्टॉप हो जाता है तो so ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है फीटस का हार्ट बीट भी सुनाई देता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिस इज ऑल्सो करेक्ट लेकिन उसका आईब्रोज और आई लैशेज कब आना स्टार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये देखो द आईब्रोज एंड आई लैशेस दे अपियर ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर नॉट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो इसका आंसर दे दो यस क्या आएगा इसका आंसर डायग्राम गिवेन बिलो शोज बिच अरे इतना सिंपल है दिज आर ऊगोनिया तो उगोनिया का ग्रोथ फेज होने के बाद वो ऊ प्राइमरी चालू करेगा तो सेकेंडरी है फिर मेच्योर ओवर मिलता है तो दिस इज योर प्राइमरी उइट एंड प्राइमरी उइट हमेशा डिप्लॉयड रहता है इसका मीओसिस चालू होगा तो ही आपको सेकेंडरी उ और ये सेकेंड्री उइट हेप्लॉइड रहता है सो प्राइमरी उन्ड डिप्लॉइड हे आंसर सिलेक्ट करू ना दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट प्राइमरी ओसाइट हमेशा कैसा रहता है इट इज ऑलवेज डिप्लॉइड देखो इधर लिखा है डिप्लॉइड मियोसिस जब तक चालू नहीं होता तब तक आपका सेल डिप्लॉइड रहेगा चलो इसका आंसर दे दो प्रेगनेंसी को जेस्टेशन बोलते हैं तो चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं अब ये तो तुमको आना चाहिए खट्टूस टक करके खट्टूस मिलेगा नहीं तो प्रेगनेंसी को जेस्टेशन बोलते हैं तो चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को क्या बोलते हैं

प्रोटीन्स होता है मेमोरी से प्रोड्यूस होता है और इसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है छोटे बच्चों को सो so, कोलेट्रोल का फैट कंटेंट इज वेरी लो इधर पे हाई दिया है सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट यस नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर फॉर्म प्लस ओवा दोनों से मिलके जायोड बनता है येगोर्ड फॉर्म फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो जिफ्ट में हम क्या करते हैं एग फर्टिलाइज होने के बाद उसको फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं ए का ऑप्शन आएगा टू सो दिस एंड दिस एंड दिस ये काट दो नेक्स्ट गिफ्ट मतलब सरोगेसी अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगा तो हम गिफ्ट करते हैं सो गिफ्ट में क्या होता है ओवा एंड स्पर्म्स आर डायरेक्टलीड इंजेक्टेड इनटू द रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स गिफ्ट में हम ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी का आंसर आएगा फोर ये और ये दिस इज आल्सो कट

इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन यूटरस में डायरेक्ट आप स्पर्म इंजेक्ट करते हो सर्विक्स की जगह यूटरस में नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोन का चार्ट है दिस इज ईस्ट्रोजन फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा रहता है ताकि आपका ग्राफियन पॉलिकल बने और ग्राफियन पॉलिकल में से जब एग रिलीज हो जाता है तो फिर आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रेग्नेंसी कंटिन्यू करेगा सो ए इज ईस्ट्रोजन बी इज दिस इज बी ये जिसका जिसका राइट आया है खुद को प्लस वन मार्क्स दो नाइन्थ क्वेश्चन रूफ ऑफ इधर रूफ आएगा गलती से रूट आ गया एमनियोजेनिक सेल्स विच डिवाइड टू फॉर्म कोरियोन क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी इज लाइन बाय एमिक सेल्स रियन दिस इज ट्रू आपके एमनियोटिक कैविटी के ऊपर जो सेल्स होते हैं स्टार शेप सेल्स उससे आपका कोरियोन बनता है कोरियोन ये सिर्फ और सिर्फ आपके फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मतलब ये आपके फीटस को आ, फीटस के प्लेसेंटा को आ, मदर के प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है इसका डायरेक्टली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है ये सिर्फ कनेक्शन का, का काम करता है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकंप्लीट ये देखो ये आपका कोरियन है ये कोरियन किससे बनता है गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस में आपके एमनियोजेनिक सेल से कोरियन बनता है बट इसका काम आउटर साइड में है इसका डायरेक्ट कुछ भी काम नहीं है ठीक है नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ प्रिमोरडियल फॉलिकल व्हिच रिमेन इन ओवरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी देखो जब अपना फीटस 3 मंथ का होता है तो उसके पास टू मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जब फीटस नाइन मंथ का हो जाता है तो उसके पास वन मिलियन मतलब birth के फिर ये फीटस जब के पे। पे जब पहुंचती है, तो इसके पास 60 to 80, primordial follicles बचते हैं। This is as per the new textbook. आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक में फोर्टी थाउजेंड दिया है तो ओल्ड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फोर्टी थाउजेंड है new textbook के according 60, फोर्टी थाउजेंड अगर ऑप्शन में आया तो फोर्टी थाउजेंड अगर इधर पे 40,000 और सिक्सटी थाउजेंड तो आप सिलेक्ट करोगे क्योंकि न्यू में अपडेटेड है। this is old textbook. And this is new textbook. तो आप ये फॉलो करोगे अगर दोनों दिया है तो यूलेक्ट दिस अगर सिर्फ ये दिया है तो यूलेक्ट दिस ठीक है नेक्स्ट सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच हाँ, बहुत सारे बच्चों के पास पुराना टेक्स्ट बुक है तो आप लोग ई बाल भारती के वेबसाइट से ई बाल भारती डॉट कॉम वेबसाइट से आप न्यू टेक्स्ट बुक फ्री में डाउनलोड कर सकते हो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच लिप्स लूप ये तो इंडिया में बैन है ऐसा ये मैक्रोफाच को अट्रैक्ट करता है और स्पर्म को खा जाता है दिस इज करेक्ट हार्मोन रिलीजिंग आईओडी यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बनाता है दिस इज आल्सो करेक्ट लिप्स लूप मैक्रोफाज को अट्रैक्ट करता है सेम चीज रिपीट हुई है ठीक है इम्प्लेनॉन क्या करता है इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ सीमेंट नो ये फंक्शन कॉन्डम का है इम्प्लेनॉन हार्मोन पिल्स जैसा काम करता है इसका काम हार्मोन से रिलेटेड है तो ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है देखो आपका इम्प्लेनॉन क्या करता है इसका फंक्शन सेम हार्मोन पिल्स के जैसा होता है ठीक है नेक्स्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस ग्रोथ फेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज में क्या होता है ये आपका स्पर्मेटोगोनियम है ये ग्रोथ फेज दिखाएगा और ग्रोथ फेज दिखा के ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा तो ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और फिर ये मियोसिस करना चालू करता है नेक्स्ट इन ह्यूमन फीमेल प्रोसेस ऑफ ऊ जेनेसिस का ऊ जेनेसिस कभी कंप्लीट होता है जब सेकेंडरी ऊ साइड के पास स्पर्म आता है और अपना सेंट्रियोल डोनेट करता है जब ये स्पर्म अपना सेंट्रियोल डोनेट करेगा तो आपकी फीमेल का ऊ जेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगा यानी व्हेन द स्पर्म एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये देखो द कंप्लीशन

2 मिलियन मदर सेल्स कब बनते हैं 2 मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स कब बनते हैं ड्यूरिंग ना जब आपका 3 महीने का फीटस रहता है तभी बन जाता है सब कुछ सो फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज जब अपना फीटस 3 मंथ्स का रहता है तभी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है चलो लेबल करो ये तो अंडा बुंडा सेल्स कोरोना रेडिएटा दिस इज ज़ोना पेलुसिडा तो पहले एबीसीडी में एक्स आता है फिर वाई आता है तो पहले कोरोना रेडिएटा होना चाहिए फिर जोना यस कोरोना रेडिएटा एक्स वाई नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है देखो इधर दिया है कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलो अगर आपका टेस्टिस टाइम से आपके स्क्रोटम में नहीं आया इफ द टेस्टिस फेल्स टू कम डाउन इनटू द स्क्रोटम तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं देखो आपका टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों आना चाहिए क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर टू डिग्रीज लो होता है देन बॉडी टेम्परेचर और इसी टेम्परेचर पे आपका स्पर्म का डेवलपमेंट होता है अगर स्क्रोटम में नहीं आया टेस्टिस तो आपका टेस्टिस एपडोमिन में रह जाएगा जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से स्पर्म नहीं बनेगा और मेल स्टराइल रह जाएंगे इस कंडीशन को बोलते हैं इफ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम दिस इज योर पीवाईक्यू क्वेश्चन ठीक है ये देखो फेलियर क्रिप्टोरकिडिज्म तो मेल स्टराइल रह जाते फिर इनकी बॉडी में स्पर्म नहीं बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्नल फॉर यूटरीन कंस्ट्रिकशन एंड पार्चुरेशन ओरिजिनेट फीमेल्स का जब पार्चुरेशन का टाइम आता है तो सिग्नल किधर किधर से आता है फीटस से और मदर से और प्लेसेंटा से तो देखो सिग्नल किधर से आता है द फुल्ली डेवलप्ड फीटस गिव सिग्नल फॉर यूटरिन कॉन्ट्रैक्शन फीटस क्या क्या बनाता है एसी टी एच हॉर्मोन बनाता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कॉर्टिकोस्टिरोड्स फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड ये देखो फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से ए सी टी एच बनता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं बनता है ए सी टी एच ठीक है और फीटस के एड्रीनल ग्लैंड से इधर फीटस आना चाहिए था तो ये ऑप्शन राइट आता फीटस के एड्रीनल ग्लैंड से बनता है ना कॉर्टिकोस्टिरोड्स नॉट फ्रॉम मदर हाँ, मदर के ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन बनता है दिस इज करेक्ट बट ये बनाने के लिए सिग्नल ये देता है, जब तक ये हॉर्मोन नहीं बनेगा तब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो बट इसको प्रमोट कौन करता है फीटस, आपका प्लेसेंटा तो या तो प्लेसेंटा होना चाहिए या तो फीटस होना चाहिए तो ही मदर का पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन बनाएगा ठीक है

सो दिस इज ऑल्सो मेडअपटोडम ब्लँड इज अ पार्ट ऑफ वाला टेबल लर्न करना है रोज इसको एक बार देखो सोने से पहले जैसे मोबाईल का इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन चेक करते हो ना वैसे सोने से पहले टेबल्स चेक करो तो आपको सब याद हो जाएगा मग रडणार नाही मॅम किती पण वाचलं तरी लक्षात राहत नाही खूप स्ट्रेस आलाय दिवसभर बुक बघा म्हणजे ते लक्षात राहणार आपो आप पिक्चर मेमोरी क्लियर हो जाती है दिमाग में स्पर्म ऑफ एनिमल स्पीशीज एक्स कैन नॉट फर्टिलाइज विद एनिमल स्पीशीज वाई क्यों लॉक एंड की मॉडल आईफोन के चार्जर से नोकिया का फोन थोड़ी चार्ज कर सकते क्योंकि स्पर्म के पास जो एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग होता है आपके एग के पास जो फर्टिलाइजिंग होता है ये दोनों कंपैटिबल होना चाहिए सो फर्टिलाइजिंग ऑफ एक्स सॉरी स्पर्म ऑफ एनिमल स्पीशीज एक्स मतलब स्पॉम के पास क्या है एंटी फर्टिलाइजिंग और एग के पास क्या होता है फर्टिलाइजिंग सो फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पीशीज वाई फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पीशीज एक्स एंड वाई आर नॉट स्पेसिफिक फर्टिलाइजिंग ऑफ एक्स एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ वाई नाइन एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ एक्स एंड फर्टिलाइजिंग ऑफ वाई ये दोनों स्पेसिफिक नहीं है देखो ये और ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है याद से देखो पर्म के पास हमेशा क्या होता है एंटी फर्टिलाइजिंग ओवा के पास क्या होता है फर्टिलाइजिंग इधर पे पर्म मतलब क्या है एक्स ओवा मतलब क्या है वाई तो एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ एक्स एंड फर्टिलाइजिंग ऑफ वाई नहीं तो तुम्हें स्टेटमेंट सिलेक्ट करा दिस इज नॉट राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ठीक है ये देखो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कंपेटेबिलिटी रिएक्शन ठीक है चलो जल्दी जल्दी सब लोग अपने मार्क्स कमेंट करो जिसको जिसको अपना सीई का पावर एकदम बूस्ट करना है परसेंटाइल आप हमारा वरदान बैच भी ज्वाइन कर सकते हो इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स का क्रैश कोर्स खत्म कर दिया है उसका रिकॉर्डिंग आपको देखने मिल जाएगा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर वरदान बैच और अवर मॉक टेस्ट टू एक्सेल योर प्रिपरेशन अपना प्रिपरेशन और अच्छा करने के लिए आप हमारा मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको बहुत सारे पी वाई क्यू मिलेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन सेवेंटी से नाइन्टी पे पहुंच जाए टेक्स्ट बुक रीडिंग प्लस वन शॉर्ट वीडियो प्लस अगर आप दिन भर यही करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तो आपको नाइनटी परसेंट लाने से कोई नहीं रोक सकता और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यू नीड अब नाइनटी फाइव याद रखो ठीक है चलो सो आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि चैनल पे डेली कम्युनिटी पोल्स आते हैं जिससे आपका सीई का पावर सुपर डुपर बूस्ट हो सकता है हमारे एन चैनल पे भी हम नीट के पोल्स डेली अपलोड करते हैं तो यू कैन फॉलोअी चैनल आल्सो और अगर हमारे कंटिन्यू एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और जल्दी से अपना अपना मार्क्स कमेंट करो आपके लिए अप्रैल में सीई के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा सा फ्री सरप्राइज आने वाला है यूट्यूब चैनल पे ठीक है तो उसके लिए स्टेट ट्यून रहो ऑल द बेस्ट एवरीबडी बाय बाय टेक केयर याद रखो अभी नहीं तो कभी नहीं बाय बाय